देखो होता क्या है असल में, कैलेंडर में कैलेंडर सिर्फ इसी पे बेस्ड है। जैसे हम जिंदगी में अपनी डेट देखते हैं ना, तो ऐसे ही कैलेंडर में डेट देखी जाती है। बस जिंदगी का मतलब क्या है कि भाई आज तारीख है 15 मई, ठीक है, 2020, और आज दिन है फ्राइडे। तो आपसे कहने लगे कि भाई 25 मई को कौन सा दिन होगा, तो जैसे अभी इन्होंने बताया, वो यही बताया कि 7 दिन में हमारे पास वही होगा, 7 से अगले दिन जो है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो अगर 15 को आपका फ्राइडे है तो 22 को भी फ्राइडे होगा। तो आप क्या करते हैं, आप सर देखते 25 हैं, को मंडे आएगा। जी, तो आप क्या करते हैं, आप 7 दिन का पेयर बनाते हैं, 7 दिन का एक ग्रुप बनाते हैं। तो होता क्या है, 15 को फ्राइडे है तो फिर 22 को फ्राइडे है। अब आप गिनते हैं एक्स्ट्रा डे के आगे कितने एक्स्ट्रा डे बचे। ये एक्स्ट्रा डे याद रखने, अभी हम कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये एक्स्ट्रा डे ही काम आएगा। अब आपको देखना था 25, तो अगर 25 देखना था तो 23, 24, 25, तो आप कहिए 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब अगर 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो यहां आप ये मान लीजिए कि अगर फ्राइडे आएगा तो 0 दिन एक्स्ट्रा है तो फ्राइडे, 1 दिन एक्स्ट्रा है तो सैटरडे, 2 दिन एक्स्ट्रा है तो संडे, 3 दिन एक्स्ट्रा है तो मंडे, 4 दिन एक्स्ट्रा है तो ट्यूसडे, 5 दिन एक्स्ट्रा है तो वेनसडे, 6 दिन एक्स्ट्रा है तो थर्सडे, ये मेरे पास आएगा 7वें दिन, फिर फ्राइडे। तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि कितने एक्स्ट्रा डे हैं। तो अगर मान लीजिए हमने आज कहा था 15 दिन, लेकिन अगर हम कहते कि 29 तारीख को बताओ क्या दिन होगा, तो आप 29 तारीख को आप देखोगे 15 के बाद हैं 14 दिन, 14 को आप 7 से करोगे डिवाइड, क्योंकि 7 का बनाना है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कुछ बचेगा नहीं। तो एक्स्ट्रा आया 0 डेज, तो इसका मतलब फ्राइडे, इसका मतलब फ्राइडे। तो आपका 29 तारीख को भी फ्राइडे ही आएगा, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं आ रहा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आपका कैलेंडर का कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। अब सुनो जरा कहानी, अरे मेरे अल्लाह, हमारे पास क्या होता है, जो साल होता है, ठीक है सर, उसमें होते हैं 365 दिन। कितने? 365 दिन। तो 365 दिन अगर होते हैं, तो पैसा ठीक है, क्या हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं फिलहाल, जब लीप होगा तब बाद में सोचेंगे। ओके तो अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएंगे 52 वीक्स, और 1 दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जिस दिन स्टार्ट होगा, ठीक है, जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन एंड होगा। जी आप कोई सा भी कैलेंडर उठा के देखोगे, ठीक है भाई, पूरे पूरे हफ्ते हो गए, मतलब जैसा अगर आपने सोचा कि हमारा दिन मंडे से, जैसा अभी आपने 29 कहा था, मंडे से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, तो पहला हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, फिर चौथा हफ्ता, तो यहाँ 52 वीक्स कंप्लीट हो गए।
अब एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा तो वो उसी दिन होगा, ठीक है सर? फिर से मंडे आ जाएगा, फिर मंडे, तो लास्ट डे जो होगा वो मंडे होगा, लास्ट डे, ठीक है? लेकिन अगर आप फर्स्ट तारीख ढूंढोगे तो वो ट्यूसडे होगी। फर्स्ट जनवरी अगर आप देखोगे तो फिर वो कौन सी होगी, क्योंकि दो दिन एक्स्ट्रा हो गए, एक दिन उसका और एक दिन आप फर्स्ट जनवरी का। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगर लीप ईयर होगा तो उसमें होते हैं 366 दिन, एक दिन और बढ़ जाएगा 366 डेज, तो उसमें क्या होते हैं 52 वीक्स और दो दिन एक्स्ट्रा। तो आपके पास क्या आएगा, अगर मंडे से स्टार्ट हुआ है तो एक दिन जो है वो मंडे, दूसरा दिन जो है ट्यूसडे, तो नेक्स्ट आए, तो ये हमारे पास होता है। देखो एक मिनट, देखो कुछ नजर आ रहा है क्या? 2020 कौन से दिन से शुरू हुआ था? है भाई? 2020 कौन से दिन से शुरू हुआ? वेनेसडे। और खत्म कहाँ पे हो रहा है? वेनेसडे। थर्सडे। खत्म वेनेसडे पे ही हो रहा है। अरे थर्सडे पे हो रहा है। क्यों हो रहा है ना सर? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2020 है, 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर, ठीक है? इसमें फरवरी 29 का है, तो ये भी एंड वेडनेसडे पे ही होता कब, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता। ये सब बच्चों को समझ में आ गई बात? हाँ जी, समझ में आ रही है सबको? लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान रखना। यस सर, मैंने आपसे कहा है अगर फर्स्ट जनवरी की बात करें, क्या कहेगा आपसे? आपसे कहेगा फर्स्ट जनवरी 2020 वेडनेसडे था, तो फर्स्ट जनवरी 2021 क्या होगा? ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? फ्राइडे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट जनवरी। देखो वो तो आपने कैलेंडर देख लिया, वो तो आप बता ही दोगे। हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि जो आपका 2020 है, सुन लो, अरे पूरी कहानी तो सुन लिया करो, इतनी जल्दी बोलने लगते हो। 2020 जो है उसमें 52 हफ्ते हैं और दो दिन एक्स्ट्रा हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है जी?
तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 जनवरी। तो हमारे पास फर्स्ट डे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, सेकेंड डे जो हमारा हो जाए, तो हमारे पास 3 दिन होगा, फिर हमारे पास हो जाएगा थर्सडे और थर्ड डे हमारे पास हो जाएगा फ्राइडे। ये हमें ध्यान रखना कि अगर एक दिन एक्स्ट्रा है तो वेडनेसडे हो गया, हमारे पूरे पूरे हफ्ते हो गए, लास्ट डे जो हमारा होगा वो हमारा ट्यूसडे पे खत्म हो रहा होगा, तो वेडनेसडे फिर थर्सडे फिर फ्राइडे, तो ये हमारे पास आएगा आपका। आप देखो इसको कैलेंडर में कैसे लेके आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डे गिनने हैं बस कि कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, उतने दिन बाद वो दिन आता है, तो 7 दिन के बाद वेडनेसडे आएगा, 7वें दिन वेडनेसडे नहीं होगा, 8वां दिन वेडनेसडे होता है, तो जो एक्स्ट्रा डे है वो हमारा वेडनेसडे है। अब ये कैलेंडर में क्या होता है, अब यहां से शुरू करते हैं कि एक ईयर की कहानी क्या है। एक ईयर की कहानी है कि उसमें 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है सर। अब हमारे पास 100 साल में क्या कहानी होती है, सौ साल में अगर आप देखोगे, इसे भी पहले बात करें, कि हमारे पास जो लीप ईयर होता है वो हमारे पास होता है 366। उसमें आपके पास क्या होते हैं, अरे इसमें 1 डे होता है, इसमें 2 डेज होता है, तो अगर हमारे पास 100 ईयर्स की कहानी हम करें तो 100 ईयर में 4 से डिवाइड करो, ठीक है भाई, तो 4 से डिवाइड होने वाले कितने ईयर्स होंगे, हाँ भाई 1 से लेके 100 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे, कोई बता सकता है? 100 वाला वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। 100 ईयर्स, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, सिर्फ 4 वाले लीप ईयर होते हैं सेंचुरीज में। 4 वाले कौन से, 400, 800, 1200, 1600, 2000, सिर्फ ये वाले ही लीप ईयर होते हैं। अगर आप कहने लोगो कि 1900, ठीक है, 1700, नहीं ये लीप ईयर नहीं होते, तो इसका मतलब 100 तो है नहीं। अब 4 से डिवाइड करो 96 तक, तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे 24 टाइम्स चलेगा, तो इसका मतलब 100 ईयर में, इन 100 ईयर्स 24 तो लीप ईयर हो गए और बाकी बचे 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, तो इसका मतलब लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे और ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा,
तो 24 टू जा 48 और ये 76, तो 76 और 48 कितने हो गए भाई, 14 124, तो आपके पास हो गए 124 डेज एक्स्ट्रा। 7 से डिवाइड करो तो 7 से करोगे 7 1 7 52 7 7 49, ठीक है सर। कितने बचे, 5 days, 17 weeks प्लस 5 days एक्स्ट्रा, तो 100 साल में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा डेज गिनने हैं, इन 100 years आपके पास 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जो आपका दिन चल रहा है 5 दिन और जोड़ लीजिए उसमें, वो वाले 5 दिन आ जाएंगे, वहां से आप गिनती शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हम 400 ईयर्स की बात करें तो आप पहले ध्यान से देखो, जो 200वां साल होगा उसमें भी 5 दिन आएंगे, जो तीसरी वाली सेंचुरी होगी उसमें भी 5 दिन आएंगे, लेकिन जो आखिरी वाली होगी उसमें 400 ईयर्स आएगा, तो 400 ईयर्स लीप ईयर होता है तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 400 साल में 21 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कितने दिन, हाँ जी 400 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 21। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 21 डेज 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया, 3 weeks है, रिमाइंडर कितना आया, एक्स्ट्रा डे कितना है, 0 0 एक्स्ट्रा आ गया 0। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा 400वें साल में फिर दिन वहीं से वापस शुरू हो जाता है, कैलेंडर हमेशा शुरू से शुरू हो जाता है। सर ठीक है, तो हर 400 साल के बाद कैलेंडर 0 से शुरू होता है, तो जो पहले 400 साल का था कैलेंडर, 400 साल के बाद 400 से 800 फिर वही है, 800 से 1200 फिर वही है, 1200 से 1600 वही है, 1600 से 2000 वही है, 2000 से वही है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो अगर हमें डेट ढूंढनी है तो हम 400 से 800 से 1200 से ढूंढ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज है, अगर जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज है, अगर 0 आ रहा है तो वो हम संडे मानते हैं, अगर 1 आ रहा है तो मंडे मानते हैं, 2 आ रहा है तो हम ट्यूसडे मानते हैं, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे मानते हैं, 4 आ रहा है तो थर्सडे मानते हैं, 5 आ रहा है तो फ्राइडे मानते हैं, 6 आ रहा है तो सैटरडे मानते हैं। हम अपने कैलेंडर में जो स्टार्ट करेंगे तो हम मानेंगे 0 से कि भाई हमारा 0 संडे, तो पहला दिन हम मंडे से मानते हैं अपना, कि हमारी जो पहली तारीख थी वो मंडे थी, तो वापस हमें 7 दिन के बाद हमारा फिर संडे आ जाए। ठीक है जी, बस इतना सा ही समझना था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है वो जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था, ये क्वेश्चन आता है 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था ये बताओ। ठीक है सर, पहले समझ लो फिर अपना आप आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। अगर ये 1950 है तो इसको हम लेंगे 1600 से, कि हमारा कैलेंडर शुरू हुआ 1600 से, नियरेस्ट सेंचुरी ढूंढते हैं, तो अगर 1600 हो गया और ये चल रहा है 1900 तो 300 साल हो गए, तो ये हो गए 300 साल, और ये हम बात कर रहे हैं 1950 की, तो ध्यान रखना 50वां साल चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ, तो 49 साल हुए हैं अभी,
और ये 50वां चल रहा है, उसमें सिर्फ जनवरी आया है अभी, तो जनवरी की 26 दिन आपको लेने हैं। ये जो मैंने ब्रेक किया, ये सबको समझ में आ गया? सर समझ में आया क्या? यस सर। 26 जनवरी 1950 को आप ब्रेक करो नियरेस्ट सेंचुरी में, किसमें? नियरेस्ट सेंचुरी। तो नियरेस्ट सेंचुरी बेटे जीरो से स्टार्ट होता है, उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो खत्म। अब बचे 300 साल। बताओ 300 साल में दिन कितने एक्स्ट्रा होते हैं? अभी हम पीछे गिन चुके। 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5। वेरी गुड। तो 300 साल, तो 300 साल में आपके 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 49 ईयर। तो आपको ये देखना है कि 49 साल में कितने तो लीप ईयर थे और कितने नॉन लीप ईयर थे। तो 4 से डिवाइड करो 49 को, तो 48, 4 12 जा 48 होता है, तो 12 ईयर्स आपके लीप ईयर आएंगे। जिसको जहां समझ में ना आए पूछ लीजिए, सर ऐसे क्यों करा? तो 49 में 12 आएंगे लीप ईयर, और बचे कितने? 37 आएंगे ऑर्डिनरी ईयर, और ये 26 दिन तो हम अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, इनको बाद में सोचेंगे क्या होगा। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अच्छा, इसे 15 डेज को 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा है, है ना भाई? लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो लीप ईयर में हो गए 24। ऑर्डिनरी ईयर में एक ही दिन होता है, तो वो हो गए 37। 26 को भी 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 3 21, 5 दिन हो गए एक्स्ट्रा यहाँ, ठीक है। इसे भी डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 डे। 24 को अलग से करना चाहो अलग से कर दो, ऐड करके करना चाहो ऐड कर दो। 7 3 21, तो 3 दिन यहाँ से हो गए, और 7 5 35, 2 दिन यहाँ से हो गए, और 5 दिन यहाँ से हो गए। तो ये हो गए आपके पास टोटल 11 डेज। कितने? 11 डेज। 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। कितने? तो 4 दिन का मतलब क्या था? मैंने आपसे कहा था 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेनसडे, 4th का मतलब, ठीक है भाई, थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? थर्सडे। देखो गूगल क्या बता रहा है, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? हाँ भाई क्या बता रहा है गूगल, बताओ ना। थर्सडे बता रहा है। सही आया नहीं आया? सर वो लीप ईयर में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या सर? लीप ईयर में सर वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या सर? जहाँ पे 49 ईयर्स है उसके बाद उसमें 12 लीप ईयर्स है। अरे हमारा आंसर सही आया नहीं आया पहले बताओ, अभी आपका डाउट बाद में पूछेंगे। सर आपको आपको कहाँ डाउट है वो अभी क्लियर करेंगे, पहले ये बताओ बात सही है। हाँ जी डॉक्टर दानिया जी। सर दानिया जी भी हैं क्लास में, ठीक है ये वाली बात। अब बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है,
जी बोलो क्या कह रहे, कहां प्रॉब्लम आई लीप ईयर में, कहां प्रॉब्लम आई? सर ये सेकंड लाइन के बाद सर समझ नहीं आया क्या करा उसने। अच्छा दोबारा से कर लेते हैं, हमारा कौन सा कुछ हो रहा है। आपको क्या करना होता है, आपको अपने सारे डेज में से एक्स्ट्रा डेज वीक बनाने पूरे, ठीक है, बस हफ्तों में से जो एक्स्ट्रा डे बचते जाए उन्हें गिनते जाओ। तो हमने कहा 307 जी, हमें ये बताओ जब हम 26 जनवरी 1950 कह रहे थे तो आपको 1950 का डिवीजन समझ में आ गया? जी सर। 1600 साल, फिर 300 साल, फिर 49 ईयर, 50 नहीं हुए, 50 वह चल रहा है, ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हम 50 ले लेते हैं। जी सर, 50 अभी चल रहा है, अभी 50 पूरा नहीं हुआ है, और 26 जनवरी, ठीक है। तो अब हमने कहा था 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 300 साल में 15 दिन, ठीक है। अब जो 49 49 ईयर्स हैं, आप उसे 12 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करो तो कितने टाइम चल रहा है टेबल? 12 लीप ईयर आ जाएंगे, 12 लीप ईयर आ जाएंगे, 49 में से 12 माइनस करो तो जो बचे वो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, कितने ईयर बचे हैं? 37 ऑर्डिनरी ईयर हुए, तो ठीक है, तो अब 15 दिन तो ये हो गए। और भाई लीप ईयर में होते हैं 2 दिन ये हो गए, और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 1 दिन ये हो गया, और 26 दिन ये चल रहे थे, तो 15 दिन ये बेटे जी, 24 दिन ये बेटा जी, और 37 डेज ये, और 26 दिन ये, ठीक है। अब चाहो तो इन्हें यहीं से ही 7 से डिवाइड करते चले जाओ, चाहे सबको ऐड करके कर लो, उससे फर्क पड़ता नहीं। तो 15 को करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, है ना भाई, 14 + 1 = 14 + 1। 24 को करोगे तो 21 + 3 3 दिन बचेंगे, 37 को करोगे 35 + 2 2 दिन बचेंगे, 26 को करोगे 21 + 5 5 दिन बचेंगे, ठीक है। इसमें से भी करोगे 5 और 2 = 7 हो जाएंगे, तो बचे कितने, 4 दिन। तो मैंने आपसे कहा ये एक्स्ट्रा डे आपको याद रख, तो फोर्थ वाला जो डे होता है वो क्या होता है, 0 संडे से स्टार्ट करना है आपको, 0 किससे स्टार्ट करना है, संडे से, थर्सडे होगा, बस थर्सडे आ गया, ठीक है, संडे से है, संडे से स्टार्ट करना। देखो एक क्वेश्चन और करो आपसे, जी सर आगे, चलो आपसे क्या कह रहा, चलो एक क्वेश्चन करो, 15 अगस्त 1947 बताओ क्या दिन था, पंद्रह अगस्त 1947 है क्या था, फ्राइडे, ऐसे नहीं मानने का, फ्राइडे वो तो पता ही है, फ्राइडे क्यों है, फ्राइडे था, हाँ था फ्राइडे, करके दिखाओ उसे, सॉल्व करके, उसे सॉल्व करके फोटो, अरे नहीं गूगल नहीं सर, वो अब पढ़े, अब पढ़े हैं हम भी, पढ़ाए हैं अपनी क्लास में, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करके हमें फोटो भेजिए, तनिक हमें फोटो दिखाइए, कहाँ पढ़े हो आप, किस तरह से बनाए हो, समझे अरबाज साहब, जरा इसको बनाइए, बनाइए फोटो खींच के हमारे ग्रुप में डालिए, सब बच्चे देखेंगे आप क्या करे हो। नहीं सर, वो रमजान वो इस्लामिक उसमें आया था कि, तो कोई बात नहीं ना, हम कह रहे हैं वो गलत था, तो अब हम खुद निकाल के देखेंगे, तो आप खुद निकाल के देखिए कि सही था कि गलत था। अच्छा। सब बच्चे करो भाई, शाबाश, करके देखो बेटे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना और फिर अपना दिन निकाल के देखना कि डे क्या था, करो शाबाश।
नाइला समझ में आ रहा बेटे? देखो आएगा सर, फ्राइडे आ रहा है। माशा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, बहुत सिंपल सा है बेटे ये कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इसके पूरा ऊपर से नीचे तक अभी पीडीएफ भी भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा, बहुत सिंपल सा है। देखो फिर दोबारा से करो बेटे, 1900 है तो फिर इसको 1600 से लेके आएंगे। कहां से लाएंगे? 16 से, तो इसमें भी 300 ईयर्स आएंगे। 47 है ये, तो 46 ईयर्स कुल हुए हैं। लेकिन चल कौन सा रहा है? अगस्त। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के 15 दिन, ये ध्यान रखना है। अब फिर वही 300 ईयर्स में तो वही आपके 15 डेज एक्स्ट्रा हैं। 15 डेज का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। लेकिन ये जो 46 ईयर्स हैं, इस 46 में लीप कितने हैं और ऑर्डिनरी कितने हैं? 4 से डिवाइड करो तो 4 1 4 4 1 4 11 ईयर्स आएंगे लीप ईयर। और फिर बाकी जो बचे 35, वो आएंगे आपके ऑर्डिनरी ईयर्स। अब इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को कैसे काउंट करोगे। ठीक है, तो जनवरी होता है 31 का, तो 31 में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये है 47, तो 28 दिन का फरवरी, 0 दिन। मार्च 31 होता है तो 3, अप्रैल 30 होता है तो 2, मई आपका कितना होता है भाई? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। मई कितना होता है? 31? यस सर, 30। जून 31, जून भी 31, जुलाई 30 होता है, 30 होगा, चलो 31, ठीक है। और ये 15, ऐसे ही होगा ना कुछ? हाँ भाई ऐसे ही होगा ना, ठीक है। यस सर। अब आप काउंट करो, लीप ईयर के हो गए 22 डेज, ऑर्डिनरी के हो गए 35, इनको देख लो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 और 3 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14 खत्म, और 14 खत्म, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ से, इन सारे वीक से 3 दिन एक्स्ट्रा आए। अच्छा इसमें देखो 22 डेज का मतलब 1 डे एक्स्ट्रा, और 35 में तो 0 ही हो गए, और 3 डेज ये एक्स्ट्रा, तो टोटल डेज एक्स्ट्रा कितने हुए भाई? कितने हुए ना भाई, एक्स्ट्रा डेज कितने आए टोटल? 5। तो 5 डे कौन सा था? 4th डे हमारा थर्सडे था, अभी हमने देखा था, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5th हमारा फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को रमजान था, जुमे का दिन था, बारिश हो रही थी, तब आजादी मिली थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है आप देखो, चलो मुझे बताओ मेरा बर्थडे कौन से दिन का था। ठीक है बताइए, 20 अक्टूबर 1976 बताओ। अक्टूबर 1976 को दिन क्या था?
बताओ बेटे। संडे वनडे तो लाते हैं, छुट्टी वाले दिन आए होते हम। छुट्टी होते हैं जी। चलो अगेन 300 आएगा और 75 इयर्स आएंगे और 20 अक्टूबर आएगा, ठीक है सर? ट्यूसडे आ रहा है। चलो जी, अल्लाह करे क्या आ रहा, देखेंगे। तो 300 साल का मतलब 15 दिन। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देख लो। 75 को 4 से डिवाइड करो तो 4 बन जा 4, 35, 4 8 जा तो आपके 18 लीप ईयर्स हो गए। और बचे कितने भाई? ठीक है 57। कैसे कर दिया मैंने 35, ठीक है 18 ही आएगा ना लीप ईयर्स। हाँ जी 75 ईयर्स में 18 ही लीप ईयर होंगे ना। अब जरा एक चीज देखो आप सब बच्चे ध्यान से, 20 अक्टूबर। यस सर। अब सब ध्यान से सुनो, 20 अक्टूबर। एक तो 20 अक्टूबर को काउंट करने का तरीका है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उधर से गिनो, मैं उल्टा गिन रहा हूं कि अभी दिसंबर नहीं आया है। कौन नहीं आया है? दिसंबर। क्योंकि करना आपको है, आपको जैसे दिमाग समझ ले उस चीज को। और नवंबर नहीं आया है तो दिसंबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, और अक्टूबर होता है 31 का तो अक्टूबर के रह गए 11 दिन। तो हमारे पास कितना हुआ सर जी? हमारे पास हो गए 30 और 31 61 62 72। तो 365 दिन में से 72 डेज अभी रह रहे हैं। तो 52 हो गया 3 और 67 हो गया सर, 16 7 कितना होता है भाई? 9, और ये रह गया 2। तो इसका मतलब 20 अक्टूबर तक 293 दिन इस साल के हो चुके हैं। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। कि भाई 20 अक्टूबर तक, अच्छा ये वाला 4 से डिविजिबल है क्या? 76? Yes, sir. है भाई? 76 तो 4 से डिविजिबल है। तो इसमें yes, एक दिन और जोड़ लो फरवरी का, तो 294 डेज हो गए। तो इधर से काउंट करना समझ में आया? जब आपसे पूछे कि भाई बताओ 11 नवंबर को कौन सी दिन होगा, तो इधर से गिन लो, दिसंबर से, जनवरी से लाओगे लंबा पड़ेगा कि इतने दिन हो चुके हैं। अच्छा अब 15 डेज में से 1 डे एक्स्ट्रा, 18 लीप ईयर का मतलब 36, तो 75 जा 35 1 डे एक्स्ट्रा, 57 का मतलब 78 जा 56 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है भाई? और 294 इसे 7 से डिवाइड करो तो 74 जा 28 और 72 जा 40, 0 डेज। हाँ भाई
कितने दिन, कितने दिन? तो थर्ड डे कौन सा है भाई? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे. कौन सा है? वेनसडे. ठीक है जी. बीस अक्टूबर 1976. देखो गूगल भी क्या बता रहा है. हाँ भाई गूगल क्या बता रहा है? देखो गूगल ये बता रहा है. आई को समझ में बात? यस सर. अच्छा ठीक है. यस सर. तो अब क्या करना है आप लोगों को, एक तो ये पूछता है आपसे, एक जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि भाई आपसे जो मैंने अभी आपसे कहा कि सर बी सॉरी चलो इसी में देख लेते हैं कि भाई 1 जनवरी 2019 को मंडे था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा. ठीक है. तो आपसे कहा मैंने 365 दिन में एक दिन का फर्क पड़ता है. अगर आपका नॉन लीप ईयर है तो सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ेगा. तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे आप. तो मंडे की, तो मंडे की जगह हो जाएगा ट्यूसडे. कितना? ट्यूसडे. लेकिन लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 मंडे था तो 1 जनवरी 2021 क्या होगा? तो इसमें 2020 वाले में फरवरी आएगा 29 का. ठीक है. तो दो दिन आगे बढ़ोगे आप. तो मंडे तो है ही, तो ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे. तो यहां बढ़ जाओगे दो दिन. अगर आपको आगे जाना है तो उतने दिन बढ़ जाइए, अगर पीछे जाना है तो उतने दिन घट जाइए. ध्यान रखना है. अगर आपसे कह दे कि आज की ही बात करूं 15 मई 2020 को, ठीक है सर आज है फ्राइडे, तो आपसे कह दे 15 मई 2018 को कौन सा दिन था. हाँ भाई कौन सा दिन था? ट्यूसडे. देखो देखो 2020 जो है ना वो लीप ईयर है और मई से पहले लीप ईयर आ चुका है तो मई के 29 दिन घट, तो 29 दिन घटने हैं. तो अगर यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ दो दिन घटेंगे. तो फ्राइडे से पीछे दो दिन जाओ, थर्सडे वेनसडे. और 2018 नॉन लीप ईयर है तो उसमें एक दिन घटाओ. तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? जाएंगे ट्यूसडे आएगा. ठीक है सर. ट्यूसडे ट्यूसडे आएगा. अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ. 15 मई 2022 को कौन सा दिन आएगा? ध्यान से सोच के बताना मुझे.
15 मई 2020 को फ्राइडे है, ट्यूजडे ही होगा, 15 मई 2020 को फ्राइडे है, तो 15 मई 2022 को कौन सा दिन होगा? सर फ्राइडे ही होगा, मंडे, संडे, सर सेम डे पे एंड होगा ना? सर हम अगले साल की तारीख होगा ना, 4 इयर्स, अगले साल की तारीख पूछ रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन जो 20 है, जो 20 है तो वो 20 ही रहेगा, नहीं 20 लीप ईयर से दिन और बढ़ जाएगा। सर सैटरडे हो जाएगा, संडे होगा, सर सैटरडे। सुमैया आंसर दो जरा इसका, सुमैया, सुमैया जी चाय पी रहे हैं बस ऑन करके, बच्चे मेरे बस क्लास में ऑन करे घूमते रहते हैं दो। सानिया गायब है, सुमैया, यावर, यावर अब्बास, सर सैटरडे, सैटरडे, सर सैटरडे है मेरा तो, एक सर संडे है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वन बाय वन, यावर 15 मई 2020 को फ्राइडे है, ठीक है? हमने आपसे कहा क्वेश्चन में कि 15 मई 2020 को फ्राइडे है, तो 2021 को क्या होगा? यावर कितने दिन आगे जाएगा? यावर मियां बताओ 21 में कितने दिन आगे जाएगा, बताओ भाई। यावर ध्यान ये रखना है, एक साल में एक दिन आगे जाता है, कितने दिन? एक दिन, लीप ईयर में दो दिन आगे जाता है, तो ये एक दिन आगे जाएगा या दो दिन आगे जाएगा ये बताओ बस। सर एक दिन, एक दिन, सर एक दिन आगे जाएगा, लीप ईयर तो निकल गई ना सर, 15 में है। वेरी गुड, शाबाश, आप क्या कह रहे हो सुन लो, इतना अच्छा जवाब दिया अक्रम मैंने कि हम 15 मई से शुरू कर रहे हैं, तो 15 मई से 15 मई हमारे 365 ही दिन होंगे, 366 नहीं होंगे, फरवरी जो था वो निकल चुका, ठीक है, पहली जनवरी से गिनते तब 366 दिन होते, तो 15 मई 21 को ये ध्यान रखने वाली बात है सैटरडे होगा बेटे, और 15 मई 2022 को संडे होगा। हर साल सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा, तो इसमें यह भी ध्यान रखना है तारीख में कि फरवरी अभी बीच में आएगा या फरवरी निकल चुका। तो फरवरी आएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, फरवरी निकल चुका तो बस अब एक ही दिन का फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो इसे क्वेश्चंस को देखना आप करके, जितने भी लिखे हुए हो अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना, और सबसे आसान ये है कि किसी भी ईयर का निकाल रहे हो तो गूगल पे चेक कर सकते हो। हाँ जी, सब बच्चों को कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर, ठीक है, मैं इसका पूरा पीडीएफ भेज रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में, यस सर, और इसका वीडियो भी भेज रहा हूँ इंशाल्लाह, तो चेक कर लेना। चलो जी, ऑल द बेस्ट, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज।